गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज जैसे कि हमारा फ्राइडे है तो आज हमारा पैथोलॉजी का दिन है तो आज हम हिमैट का टॉपिक लेंगे। एंड आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ब्लड फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो टॉपिक है ब्लड फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन। तो अगर ब्लड की बात करी जाए तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड की कॉम्पोजिशन की अगर देखी जाए तो उसमें हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स जाते हैं और लिक्विड, मतलब कि लिक्विड पार्ट आएगा और सॉलिड पार्ट आएगा। जो लिक्विड पार्ट है उसमें प्लाज्मा रहता है, सॉलिड पार्ट में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और अगर बात करें प्रॉपर्टीज की तो ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन वॉटर। एंड कलर जो है हमें लगता है कि रेड कलर होता है, लेकिन हाँ ब्लड का कलर जो प्रॉपर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो है स्कारलेट रेड। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड, देन यू हैव टू से दैट इट इज स्कारलेट रेड। उसके बाद अगर पीएच की बात करी जाए तो एल्कलाइन पीएच होता है, दैट इज 7.4। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखी जाए तो होती है 1.052 to 1.061। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ब्लड की। एंड उसके बाद बात की जाए फंक्शन की तो आपको बताइए कि ब्लड हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की करेगा, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा, जितने भी कंपोनेंट्स ब्लड में फ्लो करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन जितने भी रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, गैसेस की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स जो आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट है, तो वो जो सब है ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे करता है ब्लड, ब्लड में आपको होता है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो इनकेस अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो क्लॉटिंग जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा ताकि आपको ब्लड क्लॉट हो और ब्लीडिंग नहीं हो। उसके बाद होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब पीएच का रेगुलेट करना, वो ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। तो उसके बाद अब आते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन पे। तो मेन कॉम्पोजिशन में अगर देखा जाए तो ब्लड में वैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो पे मैंने आपको बताया था सॉलिड एंड लिक्विड, तो वही है फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। जो आपका सॉलिड होता है उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा रहता है। एंड प्लाज्मा जो है 55% रहता है एंड सेलुलर कॉम्पोनेंट्स आपके 45% रहते हैं। मतलब लिक्विड पार्ट आपका 55% एंड सॉलिड पार्ट आपका 45% है, ये इनकी परसेंटेज रहती है। और जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें यही आएंगे सॉलिड वाला, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड अगर प्लाज्मा की बात करी जाए तो प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड है, स्ट्रॉ कलर्ड है, स्टिकी फ्लूइड है, आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। एंड इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे यूरिया एंड बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है एंड नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। एंड प्रोटीन्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन है वो 60% होता है, जो ग्लोबुलिन है वो 35% है एंड फिब्रिनोजन हमारे पास 4% प्रोटीन रहती है। तो ये पूरी कॉम्पोजिशन थी ब्लड की। एंड अगर हम बात करें अब हर एक पार्ट की, सारे एलिमेंट्स के, प्लाज्मा की हमने बात करी, अगर हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कि हाँ उनका क्या फंक्शन रहता है, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसीज की। एंड आपको पता ही है आरबीसीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसीज जो है उनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड आपको पता है कि बाय कनकेव शेप की होती है ये, और इनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एबसेंट एंड आरबीसीज, ठीक है। तो आप ये लिखते हो कि हाँ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं एंड न्यूक्लियस में एबसेंट होता है, ठीक है। कनकेव शेप की होती है ये, और इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एचबी प्रेजेंट होता है, जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। तो वो जो बेसिक चीजें जो आरबीसीज रिलेटेड है वो सारी हम इसके अंडर लिखेंगे। एंड अगर अब बात करी जाए डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसी आपके पास मेन रहता है, मैंने आपको पहले भी कराया था डब्ल्यूबीसीज, जब मैंने आपको ल्यूकोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस कराया था तो उसमें भी थोड़ा बहुत टॉपिक कवर हुए थे इनके फॉर्मेशन के। तो वो आधा जो टॉपिक है वो इसी से लिंक्ड है, एरिथ्रोपोइसिस भी कराया था, ल्यूकोपोइसिस और मेगाकैरियोपोइसिस। अगर बात करी जाए डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसीज भी दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होता है जो आपके जो ग्रैन्यूल्स है वो एब्सेंट है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईस्ट्रोफिल्स। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें आते हैं मोनोसाइट्स,
एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये दो डिस्टिंक्शन रहता है डब्ल्यूबीसीज का, आपको बताया डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ये इम्यून सिस्टम बिल्डअप करते हैं एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये इनके दो डिस्टिंक्शन रहते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। एंड अगर आप बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स में बेसिकली आपके कब रिलीज होते हैं, जब आपको क्या हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे न्यूट्रोफिल्स रिलीज होते हैं। आपको जब कोई इन्फ्लेमेशन का डिजीज होगा तब न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे। एंड इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइल मल्टीलोब्ड इनका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस रहता है आपके पास न्यूट्रोफिल्स का। एंड अगर बात कर जाए बेसोफिल्स की और ईस्ट्रोफिल्स की, तो ईस्ट्रोफिल्स में भी बेसोफिल्स में बाइलोब्ड रहता है, एंड जो ईस्ट्रोफिल्स है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें भी बायोलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बायोलोब या फिर स्पेक्टेकुलर शेप से स्पेक्ट्स होती है, आपकी स्पेक्टेकल्स होती है उसमें से शेप चलती है, या फिर डम्बल शेप भी बोल सकते हो आप। तो ये न्यूक्लियस का रहता है इनमें। एंड ईस्ट्रोफिल्स आपको कब रिलीज होते हैं, जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो उस टाइम पे आपको ईस्ट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, एंटीहिस्टामाइन को रिलीज करता है। एंड बेसोफिल्स में भी हमारे इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। एंड अगर बात करी जाए मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड रहता है, ठीक है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है हमारे पास इसमें। एंड जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपको बताइए बी एंड टी होते हैं, बी एंड टी सेल्स बनाते हैं जो इम्यून सिस्टम के बिल्डअप में हेल्प करते हैं। तो ये था आपके पास पूरा डब्ल्यूबीसीज को लेके। एंड आप थोड़ा बहुत जो है आपको बताइए, इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए व्हाइट कलर के होते हैं एंड बेसिकली इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। बाकी आपको सारे जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, उनके डायग्राम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल ऐसे मल्टीलोब्ड रहता है एंड आपको प्रैक्टिकल में भी आता है यहाँ पे हमारे पास ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका न्यूट्रोफिल है। अगर बात करी जाए बेसोफिल की, तो बेसोफिल आपका थोड़ा डम्बल शेप्ड रहता है, ऐसे हमारा बेसोफिल का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा एंड साथ में ग्रैनुल्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर बात करी जाए ईस्ट्रोफिल की, तो ईस्ट्रोफिल का जो है साइटोप्लाज्म जो है वो रेडिश होता है, ठीक है, रेडिश साइटोप्लाज्म इसमें हमारे पास रहता है एंड ये भी थोड़ा बायलोब रहता है, दो लोब इसमें प्रेजेंट होंगे। जो मोनोसाइट है वो थोड़ा किडनी शेप्ड है या फिर आपको आप उसको यू शेप भी बोल सकते हैं, और उसमें जो आपका मोनोसाइट होता है बेसिकली वो उसका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए आपका ज्यादा पार्ट जो है वो आपका न्यूक्लियस ही कवर कर लेता है। तो इस तरह से आपका ये जो न्यूक्लियस इतना ज्यादा पार्ट कवर करेगा एंड साइटोप्लाज्म आपका थोड़ा सा ही इसमें दिखाई देता है। एंड ये ब्लूइश और ये पर्पल कलर का रहता है, और जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, उसमें भी आपके पास बिल्कुल राउंड एंड सर्कुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें पूरा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस से ही कवर्ड रहता है। तो ये स्ट्रक्चर्स कुछ हैं जो मैंने अपनी नोट्स में भी बनाया, आप उसको देख लेना, आपको स्ट्रक्चर से भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए एंड इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है। और एक और चीज जो इसमें आपको याद रखने वाली होती है वो होता है इनका ऑर्डर, इनकी कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी होती है, कौन सा जो आपका डब्ल्यूबीसी है, कौन से ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट है वो कितने परसेंट होते हैं। तो इसका होता है नेवर लेट मंकी ईट बनानास, तो ये इसका निमोनिक है इसको लर्न करने के लिए। वैसे आपके न्यूट्रोफिल्स जो है 40-60% रहते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके 20-30% के आसपास रहते हैं, जो मोनोसाइट्स हैं वो आपके 10% के आसपास रहते हैं, ईस्ट्रोफिल्स आपके 4-5% होते हैं, बेसिनोफिल आपके 1% के आसपास रहते हैं। तो ये कुछ इनके कॉम्पोजिशंस हैं, वैसे ये अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशंस है, आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट कॉम्पोजिशंस आपको नोट्स में मिल जाएगी। सो ये एक निमोनिक है कि आप इनको याद कर सकते हो इनकी कॉम्पोजिशन वाइज, तो है नेवर लेट मंकी ईट बनानास, ये पूरा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है और आपको ये ऐसे लर्न हो जाएगा। और ये था आपका डब्ल्यूबीसीज को लेके। एंड अगर बात करी जाए प्लेटलेट्स की, तो आपको पता ही है प्लेटलेट्स किस चीज में, प्लेटलेट्स को आप और क्या बोलते हो, प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एंड प्लेटलेट्स का मैंने जो आपको मेगा कैरियोपोरोसिस कराया था, तो उसमें भी बताया था कि हाँ प्लेटलेट्स का क्या मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी प्लेटलेट्स उसमें कराई थी, फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एंड इनका क्या फॉर्मेशन था मेगा कैरियो ब्लास्ट से जो पूरा फॉर्मेशन था वो सारा बताया था। तो प्लेटलेट्स आपके फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं एंड ये सिक्रीशन करते हैं
एडिशन करते हैं एंड फिर प्रोटेक्शन करते हैं. मतलब ये तीन प्रोसेसेस रहती हैं आपकी. जब आपको कोई जहां पे कोई भी अगर मानो कोई कट लगा है कुछ भी लगा है तो पहले वहां पे सिक्रीशंस होंगी, फिर वहां पे एडिशंस होगी और फिर वहां पे आपका क्लॉट बनता है. ठीक है, पूरी आपकी कवरिंग आती है. तो ये पूरा प्रोसेस रहता है क्लॉटिंग का. एंड आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसमें. ठीक है, आपके इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं जो आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. सो प्लेटलेट्स में बेसिकली यही रहता है एंड वो यही है कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं एंड आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ब्लड में. सो ये था प्लेटलेट्स को लेके. एंड इन जितने भी ये सेल्स हैं सबकी फॉर्मेशन आपको पता है, आपको बताई हुई है. मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्या फॉर्मेशन रहती है, क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं और पूरा डायग्रामेटिक दिया था. इसका भी आपको मिल जाएगा एंड इसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे. ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था. आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, हाँ इसमें डब्ल्यूबीसी थोड़ा ज्यादा था क्योंकि वो चीजें हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ी होती है कि हाँ किसका क्या जो न्यूक्लियस की शेप है जो भी है. पर आरबीसीज और प्लेटलेट्स तो बिल्कुल कॉमन सी चीजें जो हमने पहले भी करी है काफी टाइम. सो इन सब के बाद अब आपका रहता है रेफरेंस रेंजेस आपको लर्न करने पड़ती है. आपको पता होना चाहिए कि हाँ डब्ल्यूबीसी का क्या रेफरेंस रेंज है, आरबीसी का क्या है और प्लेटलेट्स का क्या है. तो ये कुछ है आपको रेफरेंस रेंजेस पता होनी चाहिए, कुछ कॉमन से रेफरेंस रेंजेस. अगर आप इससे ज्यादा कोई और जो है ब्लड कंपोनेंट से कर सको तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये तो आपको पता ही होनी चाहिए. जो आपका डब्ल्यूबीसीज है वो 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर जो है इसका रेफरेंस रेंज रहता है. आरबीसीज का मेल्स के केस में होता है 4.5 टू 6.5 एंड फीमेल्स के केस में होता है 3.8 टू 5.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर. ठीक है, ये आपको यूनिट्स भी याद होनी चाहिए साथ में कि हाँ किस जो ये है आपका जो ब्लड कॉम्पोनेंट है किस सेलुलर स्ट्रक्चर का क्या यूनिट है. प्लेटलेट्स की बात कीजिए तो प्लेटलेट्स होती है आपके 150,000 टू 400,000 पर सेल. ठीक है, एंड एचसीटी की अगर बात करी जाए तो एचसीटी जो है मेल से एचसीटी मतलब हिमाटोक्रिट. ठीक है, तो मेल्स के केस में होता है 13.0 टू 18.0 ग्राम्स पर डीएल एंड ग्राम्स पर डीएल को आप ग्राम परसेंट भी बोलते हो. ठीक है, ये दोनों चीजें सेम ही है. एंड फीमेल्स के केस में होता है 11.6 टू 16.5 ग्राम्स पर डीएल. तो ये कुछ थे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. एंड बाकी अगर बात करी जाए ब्लड फॉर्मेशन की तो आपको पता ही है कि बोन मैरो में हमारा ब्लड फॉर्मेशन रहता है, लॉन्ग बोन्स में हमारा ब्लड फॉर्मेशन रहता है एंड लाइफ स्पैन जो है वो आरबीसी का कितना रहता है, 120 डेज का रहता है. सो वो सब कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप इसमें एडअप और कर सकते हो. लेकिन हाँ ये आपका मेन रहता है एंड मेन इसमें डब्ल्यूबीसी का आपके पास रहता है. डब्ल्यूबीसी से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रैनुलोसाइट्स या ग्रैनुलोसाइट्स को लेके एंड कौन सा डब्ल्यूबीसी किस टाइम पे रिलीज हो रहा है, कौन से इन्फेक्शन में रिलीज हो रहा है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए. वो सब नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, आपको पढ़ के मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ किसका क्या रहेगा. सो यस, ये था आज का टॉपिक. एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पर डीएम करना या कमेंट सेक्शन में पूछना, लिंक आपको मैं दे दूंगी पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.